नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने किया वार्ड नंबर 63 त्रिनगर से कांग्रेस उम्मीदवार जही गोयल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए वार्ड नंबर 63 त्रिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी जूही गोयल के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी। त्रिनगर वार्ड के लोगों की भारी भीड़ वहां से कांग्रेस की जीत की गवाही दे रहे थे। रविवार को पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने त्रिनगर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी जूही गोयल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, कमलकांत शर्मा, चतर सिंह, रोशन लाल, आहूजा देवराज अरोड़ा, जियालाल गुप्ता, सुरेश गोयल, जयकिशन गोयल, रोहताश बसोया, राजेंद्र तायल, संजय गौतम, राजू अवाना, राजेंद्र अवाना, दीपक जोशी, राजेंद्र वर्मा उपस्थित थे। इस दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस नेताओं ने प्रत्याशी जूही गोयल और कांग्रेस नेता सन्नी गोयल को जनता के लिए काम करने वाला बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उम्मीदवार त्रिनगर की सूरत संवारने का कार्य करेगी। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार, आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ त्रिनगर वार्ड में, जहाँ पे कांग्रेस का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने पहुँचे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी। सर, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर आपको त्रिनगर में आए हैं तो? सर, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ कांग्रेस का माहौल है, लोग परेशान हो चुके। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जिस तरह दिल्ली का बुरा हाल किया है, पिछले 5 साल कॉरपोरेशन के बहुत ख़राब गए हैं, कोई मुद्दा हल नहीं हुआ, ना कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना सफाई, कोई व्यवस्था सही नहीं है। और सिवाय आपस में ये गाली गलौज करते रहे, एक दूसरे को गाली देते रहे, छोटा करते रहे, और कोई काम इन्होंने नहीं करा। सेंटर गवर्नमेंट होते हुए और दिल्ली में कॉरपोरेशन में बीजेपी थी, क्या हुआ? सेंटर गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया, कोई मदद नहीं करी, तो आज किस नाम पर वोट मांगेंगे? वही केजरीवाल दिल्ली सरकार में बैठे हैं, उनके बहुत सारे काउंसिलर यहाँ थे। आप मुझे बताइए किस समस्या के हल के लिए कितने पैसे उन्होंने दिए, क्या जवाब है इनके पास? सिर्फ एक दूसरे को गाली देकर वोट मांगना दिल्ली वालों से, ये सही नहीं है। हम ये कहते हैं कांग्रेस ने दिल्ली वालों की सेवा करी है, और जूही भी उस कॉरपोरेशन के मेंबर में से एक होगी जो अपने क्षेत्र की बहुत सेवा करेगी और यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। थैंक यू। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए आपके कार्यालय का शुभारंभ पर, क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत समर्थन मिल रहा है मुझे, मैं चाहूँगी कि बस लोगों की सेवा करती रहूँ और इस त्रिनगर रामपुरा के लिए क्षेत्र में विकास करना है, विकास करती रहूँगी। क्या क्या समस्याएं गिना रहे हैं लोग, जा रही हैं? एमसीडी की है, मेन लेंटरमैन, जैसे कि हमारी आम आदमी पार्टी सब बीजेपी वाले लेंटरमैन की तरह काम कर रहे हैं, और मेन सफाई की प्रॉब्लम है, सीवर प्रॉब्लम है, सीवर में हमारे सीवर में जाम पड़ी है, हमारे यहाँ की सीवर बिल्कुल। बस यही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। यही कहना चाहूँगा जी, आने वाली 4 तारीख को जूही सन्नी गोयल को का बटन दबाकर हाथ को कांग्रेस को विजय बनाए। बस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और कांग्रेस के फेवर में आ रहा है, और समर्थन फुल मिल रहा है, हर किसी का समर्थन मिल रहा है, हर किसी का प्यार मिल रहा है, हर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि हम सेवा भाव से लगे हुए हैं, हमारे में मन में कोई लालच भावना नहीं है, मेन बात, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है। और काम करा, काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे आपकी मैसेज जब पार्षद बन जाएंगे यहाँ से तो? देखो जी, मेन मुद्दा साफ सफाई का, गलियों का और पार्किंग का, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है यहाँ पर, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अगर हम अगर भ्रष्टाचार, देखो हम तो भ्रष्टाचार मुक्त, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, और भ्रष्टाचार के बड़े खिलाफ भी है हम लोग, ठीक है, और आगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। भ्रष्टाचार है ना, ये खोखली कर दी इन्होंने, देख रहे हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे के साथ सन्नी गोयल हमसे बातचीत कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।